हेलो पिला माने आमे एई अध्याय रे नक्शा माने मैप्स विषय रे सिखिबा। राजू एवं बबलू गुप्तधन खोजिबा खेल खेलुथिले। राजू बबलू को गोटे नक्शा आउ किछि निर्देश लेखि देला। बबलू को सही निर्देश को पालन करी गुप्तधन खोजिबा को हबो। राजू तैयारी करिथिबा नक्साटा एही परि दिसुचि। बबलू निर्देश पढ़िबा आरंभ कला। निज घरु बाहर एवं आगकु चाल। तृतीय टाइल रु डाहाण कु बा राइट कु मोड़ो। बबलू घरु बाहरी तृतीय टाइल पर्यंत पहुँचिला, किंतु एबे से एतिकी बुझी पारु नहीं जे डाहाण माने राइट दिगटा कोउटा अटे। पिला माने कौन तमे डाहाण बा राइट ओ बाम बा लेफ्ट दिगगुड़िक चिन्हिबा जानिच कि? प्रथमे आमे डाहाण माने राइट ओ बाम बा लेफ्ट हाथ चिन्हिबा सिखिबा। निज हाथ को एहिपरि रख। एबे जेउ हातरे एहिपरि भावरे एल तयारी हेउची ताहा तमर बाम बा लेफ्ट हात, आउ अन्य हातटी डाहाण माने राइट हात। जेउ दिग आपणको डाहाण हात दिगरे अछि ताहा डाहाण बा राइट दिग, आउ जेउ दिग तमर बाम हात दिगरे अछि ताहा बाम लेफ्ट दिग। बहुत सहज ना? एबे बबलू मध्य डाहाण राइट एवं बाम लेफ्ट बुझीगला, आउ डाहाण राइट दिगकु बुलीगला। से निर्देश गुड़िक आगकु पढ़िला। डाहाण पटकु बुली जिबा परे किछि पाद आगकु गले बाम पटे लेफ्ट रे एक पोस्ट बॉक्स दिसिबो। सेही पोस्ट बॉक्स उपरे ऑन टॉप तुमको एक दौड़ी मिलिबो। तमे सेही दौड़ी को उठाइबो। पिला माने तमे कहि पारिबो कि पोस्ट बॉक्स पर्यंत पहुँचबा पाई बबलू को आउ केते पाद आगकु जिबाकु हबो? हाँ, तीनी पाद। बबलू को तीनी पाद आगरे तार बाम लेफ्ट पटे पोस्ट बॉक्स दिसिला। से ताहा उपरे रखा जाइतिबा दौड़ी उठाई परवर्ती निर्देश पढ़िला। एबे दुई पाद सीधा स्ट्रेट चाली बाम को लेफ्ट मोड़ी जाओ एवं ताहा परे सीधा स्ट्रेट चालो। चालू थाओ जे पर्यंत तमकु एक त्रिभुज बा ट्रायंगल आकारर टाइल रे पहुँचि नाह। बबलू निर्देश अनुसारे त्रिभुज ट्रायंगल आकारर टाइल पाखरे जाइकी पहुँचिगला। पिला माने एबे तमे कहि पारिबो कि नक्सा रे आगकु जिबा पाई बबलू को केउ दिगकु जिबाकु हबो? हाँ, बबलू को डाहाण राइट दिगकु बुलिबाकु हबो। बबलू आगकु निर्देश पढ़िला। त्रिभुज आकार माने ट्रायंगल टाइल रु डाहाण कु मोड़ी तीनी पाद सीधा स्ट्रेट चाल। सेही टाइल रु सबुठारु निकटतम नियरेस्ट जेउ स्टॉल रहिची ताहार मालिकंकु सेही दौड़ीटा देई देले तार बदलरे से एक नुआ जिनिस देबे। पिला माने तमे माने कहि पारिबो कि तीनी पाद सीधा चालिबा परे बबलूर निकटतम नियरेस्ट स्टॉल टी कोउटा? सबुठारु निकटतम स्टॉल होची बबन रो आइसक्रीम स्टॉल। बबलू तीनी पाद सीधा स्ट्रेट चाली बबन रो स्टॉल रे जाइकि पहुँची गला। सेठारे से बबन को दौड़ी दे देला।
ଆଉ ତା ବଦଳରେ ବବନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୋକେଇଟେ ଦେଲା। ଆସ ଦେଖିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାମକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଟାଇଲ୍ ଯାଏଁ ତମେ ପହଞ୍ଚି ନ ଯାଇଛ। ବବ୍ଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାମକୁ ମୋଡ଼ି ପୁଣି ସିଧା ଚାଲି ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଟାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଟାଇଲ୍ର ଆକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଆରେ ହଁ, ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତ ବା ସର୍କଲ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଏବେ ବବ୍ଲୁ ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଢ଼ିଲା। ଏହି ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଟାଇଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିବ। ସେହି ଗଛ ତଳେ ଅଣ୍ଡର ଏକ ଚାବି ରଖାଯାଇଛି। ଟୋକେଇଟିକୁ ଗଛ ତଳେ ରଖିଦିଅ ଏବଂ ଚାବିକୁ ନେଇ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଯାଅ। ବବ୍ଲୁ ଟୋକେଇଟାକୁ ଗଛ ତଳେ ଅଣ୍ଡର ରଖିଦେଲା ଓ ଚାବି ନେଇ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଗଲା। ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଗକୁ ଲେଖାଥିଲା ଡାହାଣକୁ ବୁଲି ଚାରିପାଦ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସିନ୍ଦୁକ ମିଳିବ ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁକ ନିଜ ଚାବିରେ ଖୋଲିଲେ ତୁମକୁ ସେଠି ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଯିବ। ବବ୍ଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଦୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଚାବିରେ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟା ଖୋଲିଦେଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ବବ୍ଲୁକୁ ଗୁପ୍ତଧନରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଲା? ବବ୍ଲୁକୁ ଗୁପ୍ତଧନରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ମିଳିଲା। ଦେଖ ବବ୍ଲୁ କେତେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ନକ୍ସା ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବହୁତ ମଜା ମଜା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।